हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गुरु एग्री फार्म में। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ खीरे की खेती या खीरे की कल्टीवेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने घर में लगाया है। थोड़े बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, मैंने घर के खाने के लिए लगाया है। इधर आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ा प्लांट नहीं है अभी फ़िलहाल, और इसमें छोटा छोटा खीरा लग गया है, ठीक है, कुकुम्बर जिसे हम बोलते हैं। और इसका रूट भी आप देखो, ठीक है, मैंने घर में लगाया था इसको, जब मिट्टी था उसमें मैंने गोबर सोबर मिक्स करके लगाया। अभी लगा सकते हो आराम से, ठीक है। इसको बांस का वो जो होता है आगे का होता है, जिसको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जेंग बोलते हैं, उसमें भी लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसा चांग में भी उठा सकते हो, ठीक है, बेम्बो का। हालांकि इधर एक है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, और खुद ही लगाया, और ये फुल्ली ऑर्गेनिक टाइप से मैंने इसको उगाया, इसमें कुछ भी दवा मैंने मिलाया नहीं है, ठीक है। जब मैंने इसको लगाया था खाद, मैंने इसमें सिर्फ गोबर का ही इस्तेमाल किया था, थोड़ा बहुत है, और अभी थोड़ा हो रहा है, ठीक है। इधर भी छोटा छोटा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है इधर। अगर आप भी चाहे तो घर पे लगा सकते हो, ठीक है, आपको इजीली इसका जो भी बीज है वो आपको आपका आसपास का जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, जैसे कि खाद वाद बेचते हैं, जो भी मतलब सीड बेचते हैं, उनके पास मिल जाएगा, ठीक है। आप मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ ऐसे जैसे कि 10-20 पीस भी आप लेके लगा सकते हो, ठीक है। मैंने 50 पीस ला के लाया था, क्योंकि मेरे ज़्यादा पैकेट में तो ज़्यादा आते, मुझे उतना चाहिए था नहीं, तो इधर में आ रहा है। आप इस तरह से आराम से लगा सकते हो और अपने घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से आप उठा सकते हो उसको, ठीक है। इसको जब लगाओगे, बीज लगाने के बाद में करीबन 2 महीने या 1.5 महीने तक के बाद में ये फलाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत ही फलाना बाकी है इसमें, ठीक है, जैसे कि देख रहे हो, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है इधर, और इधर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रखा है इसमें, जैसे कि इधर में देख रहे हो फल आ रहा है, इधर छोटा सा फल आ रहा है, इधर काफ़ी हेल्दी लग रहा है, फूल वगैरह खेल रहा है, इधर भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसकी इधर भी छोटा आ रहा है, इधर बड़ा हो रहा है एक, ऐसे करके और भी है इसमें, इधर भी फूल आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो, इधर भी देखो आप, जैसे कि इधर थोड़ा बड़ा होके बैठा है, इधर अभी भी समय है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप चाहे तो आप फ्लावर पॉट का भी इस्तेमाल करके ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत बस का सपोर्ट दे के आप कर सकते हो घर में भी, अगर छत में चाहे तो छत में भी कर सकते हो। और जब से कि गर्मी चल रही है, गर्मी का सीज़न में खीरा वगैरह कुकुम्बर बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और ये खाने से आपको मतलब बहुत ठंडा भी फील होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था, छोटा मोटा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नहीं हो अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो में इसमें लाता रहूँगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।